तो काफ़ी बुरी हालत हुई है लालू खेत बर्ड मार्केट की। अब जनाब उसके असरात जो है वो सदर इम्प्रेस मार्केट की तरफ भी आना शुरू हो गए। या मतलब मार्केट का जो नक्शा है ना वो बिल्कुल चेंज हुआ पड़ा है। अच्छा, इस बार ऐसा क्यों होता है कि पुलिस वालों को और KMC वालों को जो है ना बर्ड्स मार्केट पर एक्शन लेना पड़ता है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कंटेनमेंट बोर्ड वाले आए हैं, 15 दिन बाद आज आए थे, आप सूरत हाल देख सकते हैं। उन्होंने जो है ना तकरीबन आधी पट्टी जो है वो ख़त्म कर दी है और आधी पट्टी बाकी है जो कि अस्सलामु अलैकुम यस, मैं आपका मेज़बान शाहिद सुफियान और आप देख रहे हैं शाहिद TV। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो अच्छा यूएस, लालू खेत बर्ड मार्केट के बारे में तो अक्सर जो है ना आप अपडेट देखते ही रहते हैं कि भाई वहाँ पे जो है KMC वाले आते रहते हैं, पुलिस वाले आते रहते हैं और वहाँ पे अक्सर जो है ना मार्केट डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। कभी मार्केट एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, कभी वहाँ से फिर दोबारा वापस अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाती है। काफ़ी बुरी हालत हुई है लालू खेत बर्ड मार्केट की। अब जनाब उसके असरात जो है वो सदर इम्प्रेस मार्केट की तरफ भी आना शुरू हो गए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त जो है मैं सदर इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे बर्ड्स की मार्केट लगती है। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई लालू खेत बर्ड मार्केट बड़ी है या सदर इम्प्रेस मार्केट? तो मैं ज़रा उनको बता दूँ कि देखें, सदर इम्प्रेस मार्केट जो है बर्ड्स वाली वो बहुत पुरानी मार्केट लगती है। आपको ज़रा मैं पीछे दिखा देता हूँ। पहले यहाँ सामने लगती थी, ठीक है, उसके बाद वहाँ से जनाब KMC वालों ने यह मार्केट सारी ख़त्म करवा दी, तोड़ फोड़ करके मार्केट इस तरफ शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब लालू खेत बर्ड मार्केट जो है वो सिर्फ संडे में एक दफ़ा लगती है। वहाँ पे कुछ ही जो है ना दुकानें हैं मुख्तसर सी, जिसमें कुछ केजीज की और कुछ जो है वो बर्ड्स की और कुछ एक्वेरियम यानी कि जो फ़िश वगैरह की शॉप्स होती हैं वो हैं। उसके अलावा बाकी वहाँ पर कुछ नहीं है। सिर्फ जो संडे वाले दिन लालू खेत बर्ड मार्केट लगती है ना वो बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो सदर इम्प्रेस मार्केट है ये चाहे इतवार का दिन हो या पीर हो, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो, ये आपको हर दिन जो है ना यहाँ पे आपको बर्ड्स की मुख्तलिफ वैरायटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखा जाए तो सदर इम्प्रेस मार्केट जो है ना वो बड़े होने के हवाले से ये बहुत बड़ी मार्केट है, सदर बर्ड्स मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो कंटेनमेंट बोर्ड वाले हैं वो यहाँ पे आए हैं 15 दिन पहले। उन्होंने जो है ना भाई इनको यहाँ पे वार्निंग दी है कि भाई हमें शिकायत मौसूल हुई है। यहाँ पे ऊपर आप देखें इम्प्रेस व्यू बिल्डिंग है, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं इन्होंने हमें कंप्लेन की है कि भाई यहाँ पे जो है हमें उतरने में और गाड़ी चढ़ाने में बहुत बड़ा मसला होता है, तो लिहाजा आप जो है ये जो शॉप के साथ वाली जगह है यहाँ पे जो लोगों ने जो है ना दुकानें बनाई हुई हैं आप इसको हटवा दें। तो कंटेनमेंट बोर्ड वालों ने जो है यहाँ पे वार्निंग दी है, उन्होंने बताया कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपने ये शॉप्स वगैरह यहाँ से हटा देनी है। तो फिक्स 15 दिन बाद जनाब वो यहाँ पे आए हैं और ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। आधी पट्टी तकरीबन जो है इन्होंने ख़त्म कर दी है और पीछे तकरीबन आधी पट्टी जो है वो बाकी है, वो भी जो है ना अनकरीब वो आके जो है ना वो भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपको ये वाला जो एरिया है इम्प्रेस व्यू बिल्डिंग के सामने वाला एरिया ये सारा का सारा क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, इस बार ऐसा क्यों होता है कि पुलिस वालों को और KMC वालों को जो है ना बर्ड्स मार्केट पर एक्शन लेना पड़ता है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, लालू खेत बर्ड्स मार्केट की अगर मिसाल ली जाए, उस पर जो बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है, मतलब उसको जो बार बार ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह जहाँ तक मुझे लगता है वो ऐसा है कि देखें, एक तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के नाम से मशहूर है उसके सामने ही बिल्कुल मार्केट लगती है, प्लस वहाँ पर जो आबादी है वहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनकी मुसलसल शिकायत पर एक्शन लिया जाता है। और अगर सदर इम्प्रेस मार्केट की बात की जाए तो भाई यहाँ आप सामने देखें, यहाँ पे फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, मतलब जो अल्लाह न करे कहीं आग वगैरह लगती है तो यहाँ पे कॉल आती है, यहाँ से जो है ना पानी से भरी हुई गाड़ी जाती है आग बुझाने के लिए। तो यहाँ भी कहीं दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई जो संडे वाले दिन मार्केट लगती है ना, तो जब गाड़ी बाहर आती है स्टेशन से तो उसको बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। सदर इम्प्रेस मार्केट में संडे वाले दिन भी बहुत बड़ी मार्केट लगती है जिस तरह लालू खेत में लगती है। तो जो अगर अल्लाह ना करे कि संडे वाले दिन अगर खुदा ना खास्ता कहीं सदर के आसपास आग लगती है तो यहाँ से गाड़ी निकलती है तो उसको बाहर निकलने में, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड का स्टेशन है उसके सामने ही बिल्कुल मार्केट लगी होती है, लोगों ने अपने परिंदे और जानवर जो है ना अपने पास रखे हुए होते हैं और जो मेन गेट है फायर ब्रिगेड स्टेशन का वो मुकम्मल तौर पर बंद हुआ होता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ी को निकलने में और वापसी आने में। तो मेरे ख्याल से यही वजूहत है कि KMC वाले, कंटेनमेंट बोर्ड वाले और पुलिस वाले
ज़ाहिर सी बात है फिर ऐसी जगहों पर एक्शन लेते हैं। यहाँ के बड़े हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई या यहाँ पर जो लोग हैं जो मार्केटें वगैरह लगवाते हैं कि भाई आप किसी ऐसी जगह पर मार्केट लगवाएं जहाँ पर खुला मैदान हो, जहाँ पर सरकारी महकमे का दूर दूर तक तो कोई वास्ता ना हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर सरकारी महकमा होगा फिर ज़ाहिर सी बात आपको वहाँ के कानून भी फॉलो करने पड़ेंगे और आजकल हमारे पाकिस्तान में कानून कौन फॉलो करता है। अच्छा सर, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे काफ़ी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि हमें कुछ अपडेट दी जाए मार्केट के बारे में, लेकिन कोई ख़ास जो है ना वो बात करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, बहरहाल जो हमें अभी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये है कि इंशाल्लाह जो आने वाले 2-3 दिन है उसमें मार्केट की सूरत हाल पूरी वाजी हो जाएगी कि आया ये मार्केट दोबारा लगेगी या नहीं। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी मार्केट के हवाले से, हो सकता है इस वीडियो से आपको पूरी अपडेट ना मिले हो, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में जो है ना आपको तमाम अपडेट इंशाल्लाह शायद टीवी पे जो है ना वो सुनने और देखने को मिलेगी। तो लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।